तो दोस्तों आज मैं आपको हाउस ऑफ थाउजेंड कॉर्पसेस के ट्रायलॉजी के थर्ड पार्ट यानी कि थ्री फ्रॉम हेल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जो कि इस ट्रायलॉजी की आखिरी मूवी है। तो अगर आपने पहली दो मूवीज को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर द डेविल्स रिजेक्ट्स खत्म हुई थी। ये तीनों अपनी कार के अंदर थे और पूरी तरह से वुंडेड हो रखे थे, और तभी एक न्यूज चैनल में एक न्यूज रिपोर्टर ये बताता है कि तीनों को मल्टीपल शॉट्स लगे हैं जिसके कारण से उनका बचना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि इनके अंदर इविल ताकत है जिसके कारण से वो बच जाते हैं। अब इन तीनों की कहानी एक नेशन वाइड न्यूज बन जाती है, लेकिन इतना गलत करने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उन्हें अभी भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। उनके सभी सपोर्टर्स फ्री द थ्री के नाम का नारा लगाकर सिस्टम से लड़ रहे थे। अब इनका कोर्ट में ट्रायल होता है जो कि पूरी कंट्री देखता है और उसे सारे न्यूज चैनल वाले कवर करते हैं, जहां पर उनको कोर्ट में ले जाया जाता है और उनको गिल्टी करार करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। और फाइनल वर्डिक्ट के बाद में कैप्टन स्पॉल्डिंग को लीथल इंजेक्शन द्वारा मार दिया जाता है। लेकिन कहानी के अंदर ट्विस्ट यहां पर आता है जब ओडिस का हाफ ब्रदर यानी कि फॉक्सी आकर उसको बचा लेता है। ओडिस यहां पर फ्रस्ट्रेट होकर रोंडो को भी मार देता है जो कि लास्ट मूवी में एक बाउंटी हंटर था, एंड अपने इन कामों की वजह से ही वो अरेस्ट हुआ था। खैर यहाँ पर बेबी को कुछ साइकोलॉजिस्ट के पास में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर पूछताछ करने पर ये बात पता चलती है कि बेबी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसके चलते होता ये है कि उसको पेरोल मिल जाती है क्योंकि उसकी मेंटल स्टेट धीरे धीरे खराब होने लगती है। उसे ऐसा लगने लगा था कि जो मर्डर्स कुछ दिन पहले हुए थे वो 100 साल पहले हो चुके हैं, और बातों ही बातों में वो वहां के एक पुलिस ऑफिसर को भी घायल कर देती है। ओडिस और फॉक्सी एक जंगल में बैठे होते हैं जहां पर दो कैंपर्स आकर मारने की धमकी देते हैं, लेकिन ओडिस बदले में उन्हें ही मार देता है और उसमें से एक लड़की की स्किन को उसी तरह निकालता है जिस तरह से उसने पिछली मूवीज में निकाल कर लगाई थी। मेरे ख्याल से इस बंदे को ह्यूमन स्किन मास्क से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन है। खैर बेबी को प्रिजन में टॉर्चर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बेबी बदले में उन्हें ही मार देती है, जिसको पुलिस ऑफिसर देखकर शॉक्ड हो जाती है। अब ओडिस और फॉक्सी बेबी को प्रिजन से निकालने का डिसाइड करते हैं और वो बेबी को पुलिस से छुड़वाने की प्लानिंग करने लगते हैं। अब अगले दिन जब प्रिजन वार्डन वर्जिल डैलस हार्पर अपने घर पर आता है तो वहां पर उसकी फैमिली को वो देखता है कि फॉक्सी और ओडिस ने उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया है, और वो हार्पर को धमकी देते हैं और डराते हैं कि अगर उन्होंने बेबी को प्रिजन से नहीं निकाला तो ओडिस और फॉक्सी उसकी फैमिली मेंबर्स की जान ले लेंगे। इनकी बातों से डरकर मजबूरी में हार्पर अगले दिन बेबी को अपने पास बुला के उसे लॉक की चाबी देता है और बेबी को पर्सनली ओडिस के हाथ से लिखा हुआ एक लेटर भी देता है, जिसे पढ़कर वो हंसने लगती है। वो समझ जाती है कि अब वो बच जाएगी। अब हार्पर उसके हैंडकफ्स को खोल देता है और खुद को एक गार्ड के रूप में डिस्गाइज करके बेबी को सक्सेसफुली प्रिजन से बाहर निकाल देता है। लेकिन बेबी और ओडिस की भूख नहीं शांत होती और वो हार्पर की फैमिली को भी उसी तरह टॉर्चर करते हैं जिस तरह पिछली मूवीज में उन्होंने उस बैंड को किया था, और धीरे धीरे वो उन सभी होस्टेजेस को हार्पर के साथ ही खत्म करने का डिसाइड कर लेते हैं और उन्हें वहीं पर मार डालते हैं। वो बहुत ही ज्यादा बेरहमी से उन सबको मारते हैं, जिसे देखकर आस पड़ोस के लोग भी डर जाते हैं। एक औरत को तो बेबी नेकेड रोड पर भगाकर मारती है जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है। फिलहाल इन सारी चीजों के बाद में ये तीनों रीयूनाइट हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। बेबी धीरे धीरे ज्यादा अनस्टेबल होने लगती है, जिसे देखकर ओडिस थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। ये तीनों अब एक होटल में स्टे करने जाते हैं जहां पर बेबी ये कहने लगती है कि वो बोर हो रही है। तभी फॉक्सी उसको वीड देता है, जिसे स्मोक करने के बाद में बेबी वहां से बाहर चली जाती है और एक आदमी को अपनी बातों में फंसा लेती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद में उस आदमी को ये रियलाइज होता है कि बेबी एक सीरियल किलर है, और उसी वक्त बेबी उसे वहां पर मार देती है। अब वो सभी वहां से मेक्सिको जाने का डिसाइड करते हैं और वहां पर पहुंच भी जाते हैं। वो वहां पर डे ऑफ द डेड सेलिब्रेट करने जाते हैं। अब ये तीनों एक होटल में जाते हैं जहां पर वो तीनों तो ओनर को नहीं पहचान पाते, लेकिन वो ओनर उन तीनों को पहचान लेता है, जिसके चलते वो रोंडो के बेटे एक्वेरियस को उनकी लोकेशन भेज देता है। अब एक्वेरियस अपनी सारी टीम को लेकर उस होटल की तरफ निकल जाता है। मीनवाइल बेबी और ओडिस साथ में बैठकर कैप्टन स्पॉल्डिंग को याद करते हैं और रियलाइज करते हैं कि अब उन दोनों के अलावा उनका कोई भी फैमिली मेंबर नहीं बचा है। लेकिन उन बातों को हटाकर वो सभी पार्टी करने के लिए बाहर निकल जाते हैं।
वहां पर तीनों ही ड्रिंक करते हैं और बेबी तभी एक आदमी के साथ में नाइफ फेंकने वाले कॉम्पिटिशन में पार्ट लेती है और ऑब्वियसली जीत भी जाती है। अब अगली सुबह बेबी उठकर वापस से एक शिकार पकड़ती है जिसका नाम सबेस्टियन होता है और उसी वक्त एक्वेरियस वहां पर आ जाता है और सबेस्टियन उसे बता देता है कि वो सभी खतरे में है। सबेस्टियन जल्दी से बेबी को कहीं पर छुपने के लिए बोलता है और खुद ओडिस को बचाने जाता है। अब यहाँ पर ओडिस दो औरतों के साथ में लेटा होता है कि तभी एक्वेरियस के आदमी वहां पर आकर सबको गोली मारने लगते हैं। दूसरी तरफ बेबी के घर में एक आदमी आ जाता है और बेबी उसे हार्पर के घर से चुराए हुए बो एंड एरोस की मदद से मार डालती है। अपने आदमी को चिल्लाते हुए सुनकर एक्वेरियस का एक और आदमी उस कमरे में आ जाता है। फॉक्सी जल्दी से ओडिस और सबेस्टियन को कवर देने के लिए भागता है और उन दोनों को कमरे से निकाल लेता है। फॉक्सी और ओडिस वहां से अलग अलग कवर देने के लिए जाते हैं और कुछ ही देर के बाद में एक्वेरियस फॉक्सी को पकड़ लेता है। बेबी को अब एक आदमी पकड़ लेता है और उसे बचाने सबेस्टियन आ जाता है और उसे गोली मार देता है, लेकिन उसी में सबेस्टियन को भी चोट लग जाती है और जब बेबी उसे संभालने जाती है तो वहां पर एक्वेरियस उसे पकड़ लेता है। एक्वेरियस सबेस्टियन को गोली मारने जा ही रहा होता है लेकिन वो ये कहता है कि सबेस्टियन उसकी बुलेट के लायक नहीं है। ऐसा बोलकर वो उसे मरने की हालत में छोड़ देता है, जिसके चलते एक्वेरियस फॉक्सी और बेबी को ओडिस को पाने के लिए यूज करता है और उन दोनों को ओपन में ले आता है। ओडिस बाहर आकर एक्वेरियस के एक आदमी से नाइफ फाइटिंग करता है और इसी फाइट के बीच में सबेस्टियन आकर बेबी को छुड़ा लेता है और एक बहुत बड़ा शूट आउट होने लगता है जिसमें सबेस्टियन को गोली लग जाती है। एक्वेरियस के सभी आदमी मारे जाते हैं और आखिरी में बचे हुए एक्वेरियस को पीछे से आकर बेबी पकड़ लेती है। वो तीनों एक्वेरियस को एक कब्र में बंद करके उस पर गैसोलीन छिड़क कर उसे जलाकर मार डालते हैं और वहां से चले जाते हैं और बूम, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी थ्री फ्रॉम हेल मूवी की कहानी और मेरे हिसाब से ये मूवी प्रिटी एवरेज थी। इसका पहला और दूसरा पार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ऐसे भी लोगों को बचाने के लिए कई लोग प्रोटेस्ट करते हैं, विच इज वेरी सैड। सो बेसिकली यहाँ पर इनकी बाकी सारी फैमिली को छोड़कर यही तीन बच जाते हैं, यानी कि टाइनी भी खत्म हो चुका है। एंड बात करें डॉक्टर सेटन के बारे में तो उनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर मैं आपको इस फिल्म के डायरेक्टर की ऑफिशियल स्टेटमेंट बताता हूँ रिगार्डिंग डॉक्टर सेटन। अब जैसा कि पहले पार्ट में हमको ये दिखाया गया था कि वो अंडरग्राउंड यानी कि नालियों के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट्स किया करता था, तो अब सेकंड पार्ट के डिलीटेड सीन्स में ये दिखाया जाता है कि शुरुआत में जब वहां पर फायरिंग होती है तो उसके चलते वहां पर डॉक्टर सेटन को गोली लगती है और वो इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद में डॉक्टर सेटन को सीधा एम्बुलेंस में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर वो एक नर्स को मारने की कोशिश करता है, बट उसके बाद में वो फिर से शांत हो जाता है और वहीं पर हॉस्पिटल में रहता है। अब इसके बाद में उसका क्या हुआ कोई भी नहीं जानता, बट यहाँ पर डायरेक्टर का ये कहना था कि सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए डॉक्टर सेटन का जो रोल था वो बिल्कुल इररिलेवेंट था और इसलिए उन्होंने उसका कैरेक्टर हटा दिया। बट आई मस्ट से कि डॉक्टर सेटन का जो कैरेक्टर था वो काफी इंटरेस्टिंग था। खैर अगर उसकी अपीयरेंस की बात करी जाए तो वो खुद ही उधार की सांस ले रहा था, तो वो क्या ही किसी को मारता। वो तो बस ये था कि बेबी और उसकी जो फैमिली थी तो वो लोगों को मारकर या फिर उन्हें जिंदा एज अ पेशेंट डॉक्टर सेटन को दे दिया करती थी जिनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप सबसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।